313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा। एक और हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 हर साल 33,000 फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को मिले। ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे, हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय करकर हम ये कानून लेकर आए हैं। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा। एक और हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 हर साल 33,000 फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को मिले। ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे, हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ
ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय करकर हम ये कानून लेकर आए हैं।